आपने रोजा रखा है, सबसे पहले ये बताइए कि आंदोलन को आप फेस करने के लिए और इस आंदोलन को वापस लेने के लिए आपके अलावा कितने और लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी? हमें लगता है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने अपने अंदर ये ठान लिया है कि अब इस आंदोलन का के ज़रिए से हम इस काले कानून का खात्मा करके ही रहेंगे। तो ये तो मैंने तो सिर्फ चिंगारी लगाई थी और आज आप देखिए कि एक सैलाब बन गया है। यहाँ पर सिर्फ 10 औरतें ज़िया रुखसाना, शबी फातिमा और अफसर आई थीं, लेकिन आज 20,000 शबी फातिमा यहाँ पर तैयार हो गई हैं, 20,000 शबी फातिमा निकल के आ गई हैं और इंशाल्लाह 6 दिन में जब ये हाल है तो अगले 6 दिन में ये आंकड़ा 50,000 से ऊपर जाएगा। मुझे यकीन है कि अमित शाह जी ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन उनको मनवाया जाएगा, उनको मानना पड़ेगा। हम अपना मुतालबा करते रहेंगे तब तक जब तक दूसरे देश इनसे सवाल करना ना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल सीए को रोका नहीं जाएगा, उसको स्टे नहीं देंगे, मतलब उसको ऐसे ही बरकरार रखना है, और ये भी कहा है कि संविधान सभा में इसकी सुनवाई हो। हम इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक हम जगाते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे अदल की जगह है, सुपर पावर है, उसकी बात को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ये बाबरी मस्जिद नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम मान लेंगे। ये हमारा अधिकार है, हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत है और इस मोहब्बत को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारी नस्लें भी यहीं रहेंगी, इंशाअल्लाह हम यहीं पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि जब हमारे पास ऑप्शन था जाने के लिए, हमने तब हिंद को चुना था और हम हिंद को 5 वक्त का सजदा करके अपने वफा का सबूत देते हैं। कोई इंसान की इतनी क़ुव्वत नहीं कि किसी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान को यहाँ से, या खाना बदोशों को, या आदिवासियों को, या वो गरीब जिनको खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं मालूम है, वो माँ बाप के पेपर कहाँ से लाएंगे, उनको परेशान किया जाए। यहाँ पर रैली हुई थी, उसमें अमित शाह ने ये कहा कि धक्के की चोट पर नागरिकता संशोधन कानून को लाया जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पर भी गए होंगे, कल मैंने बोला था कि मैंने राखी रखी हुई है, अगर अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे तो मैं उनको राखी बांध कर उनसे कहूँगी कि अपने वतन की बहनों को इस कदर रुलाना अच्छा नहीं होता, आप आइए हमारे सामने बात करिए। मुझे उम्मीद थी कि कल वो ज़रूर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ से उन्होंने स्पीच दी है कम से कम 100 फीट की दूरी में एक मक्खी भी नहीं आ सकती थी। जब वो इतनी सिक्योरिटी के साथ जनसभा कर रहे थे, उन्हें इतना डर लग रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें उनको यकीन है। वो जान रहे हैं कि इंसान जाग चुका है और अब हमारे लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। एक सवाल और भी है कि इस आंदोलन की शुरुआत आप लोगों ने 10 महिलाओं ने की थी, आज ये एक बड़ा जुर्म, एक बड़ा कारवा खड़ा हो गया है, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, इसमें आप लोगों को लेकर कुछ लोगों ने, देखिए 4 में है वहाँ थोड़ी सी, और ना कोई फिरकेवाद मौलाना आकर के हमको यहाँ से हटा सकता है। हम सब इंडियंस हैं, हम सब ज़ात बिरादरी के लिए और ख़ास करके हम संविधान के लिए खड़े हैं, हम संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। आपका यह आंदोलन चलता जा रहा है, ये कब तक चलेगा? आप देखा हुआ था, आप बन गया है, अकेले चले थे क्रांतिकारी बापूजी, लेकिन न जाने कितने देश के प्रेमी बाहर निकल आए थे, वही हाल आज लखनऊ में भी पैदा हो गया है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिस आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हूँ वो इतना कामयाब होगा। थैंक्स योगी जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सैलाब पैदा करने का मौका दिया।